हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रामनाथ और मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप देखते हैं, ये मेरा यूनियन बैंक का डेबिट कार्ड है। ये दोस्तों नॉन चिप वाला डेबिट कार्ड है जो 31 दिसंबर के बाद अगर आपके पास इस टाइप के डेबिट कार्ड हैं तो बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 जनवरी दोस्तों आपके EMV चिप वाले डेबिट कार्ड यानी कि चलेंगे। तो जो मेरा डेबिट कार्ड है ये मैग्ने स्ट्रिप डेबिट कार्ड है, तो सरकार के द्वारा यानी कि जो समाचार यानी कि आया है तो उसके अनुसार अब ये डेबिट कार्ड आपके बंद होंगे। आप इनसे पैसे नहीं निकाल सकते हैं और ना ही दोस्तों आप इनसे मनी किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सेवाएं दोस्तों बंद हो जाएंगी 31 दिसंबर तक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा यूनियन का डेबिट कार्ड है। तो फ़िलहाल तो दोस्तों ये मेरा पहले से बंद हो चुका है, यानी कि 31 दिसंबर तक यानी कि डेबिट कार्ड आपके बंद हो जाएंगे। बहुत से डेबिट कार्ड ऐसे हैं कि जो पहले भी बंद हो गए हैं, तो ये दोस्तों मेरा काफ़ी दिन पहले बंद हो चुका है। तो यदि दोस्तों डेबिट कार्ड बंद हो जाए और उसको अपग्रेड करना है, चिप वाला डेबिट कार्ड आपको चाहिए, तो कैसे यानी कि अप्लाई करेंगे बैंक जाके, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों, है ना। दोस्तों जब आप बैंक जाओगे तो बैंक में दोस्तों आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, तो उस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों आपको नया डेबिट कार्ड मिल जाएगा। तो किस टाइप का फॉर्म होता है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए, जैसे कि ये यूनियन बैंक है, ठीक है, मेरा यूनियन बैंक का डेबिट कार्ड बंद हो चुका है। मैं जाऊँगा यूनियन बैंक की, तो वहाँ पर इस टाइप का अपन को फॉर्म मिलेगा। तो इस पर देख लीजिए कैसे भरना है फॉर्म। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ब्रांच नेम है। तो आप दोस्तों जहाँ रहते हैं तो उस गांव का या फिर उस शहर का दोस्तों यहाँ पर नाम एंटर कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे गोटेगांव में रहता, तो मैं यहाँ पे गोटेगांव डालूँगा, जो बैंक शाखा है गोटेगांव में, तो गोटेगांव डालूँगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आप जो डेट है यानी कि जो आज की जो डेट है, जब भी आप बैंक जाओ तो वह डेट आप डाल दीजिए, ओके। और यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ईजी है, आपको नाम डालना है, अपना नाम डाल दीजिए। और यहाँ पर जन्म तारीख है, जन्म तारीख डाल दीजिए। यहाँ दोस्तों फादर का नेम है, पिताजी का नेम डालिए अपना, है ना। और उसके बाद जो आपके डेबिट कार्ड में जो भी नाम लिखा है दोस्तों वह यहाँ पर डाल दीजिए। यदि कैपिटल में है तो कैपिटल में डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बहुत ही ईजी है, यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह डालना है, ओके। एड्रेस वगैरह डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर हो पर ईमेल है, यदि आपके पास ईमेल है तो यहाँ पर ईमेल एंटर कर दीजिए। और यदि आपके पास ईमेल नहीं है तो नहीं भी डाल सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं, पर मोबाइल नंबर दोस्तों यहाँ पर डालना अति आवश्यक है। और इतना दोस्तों डालने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको है ना, आपको यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ नेम ऑफ नॉमिनीस। तो दोस्तों जब आपने अकाउंट खुलवाया होगा तो नॉमिनीज़ का नेम डालना पड़ता है, तो यहाँ पे आप नॉमिनीज़ का नेम डाल लीजिए। जैसे कि दोस्तों मैंने अकाउंट ओपन कराया था तो मैंने अपनी मम्मी का नाम डाला था, तो यहाँ मैं अपनी मम्मी का नाम डाल दूँगा। और रिलेशनशिप तो मदर लिख दूँगा या हिंदी में माता, ठीक है। उनका जन्म तारीख है दोस्तों, उनका जन्म तारीख कितना है तो यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा। और दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ आप देख सकते हैं ये फॉर ब्रांच यूज ओनली, तो ये ब्रांच के द्वारा ये जितनी जानकारी है दोस्तों यहाँ पर भरी जाएगी, ओके। और यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं जॉइंट अकाउंट, तो जॉइंट अकाउंट दोस्तों अपन का नहीं है, सिंगल अकाउंट है ओनली, ठीक है। तो ये जानकारी पूरी ब्रांच के द्वारा यहाँ भरी जाएगी। और आपको जो नया वाला डेबिट कार्ड है वो आपको बैंक के द्वारा प्रदान कर दिए दोस्तों, 1-2 दिन का समय लगता है। और बहुत सी बैंक दोस्तों ऐसी भी हैं जिसमें 1-2 घंटे के अंदर ही बना के दे देती हैं, और कई बैंकों में टाइम ले लेती हैं, कुछ में सर्वर बिजी वगैरह रहता है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम चलता है, तो आपका जो डेबिट कार्ड है वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी आपके घर पर दे देती हैं 4-5 दिन के अंदर, ओके। तो इस तरीके से दोस्तों यदि आपके पास ये EMV डेबिट कार्ड यानी कि चिप वाला डेबिट कार्ड दोस्तों नहीं है, तो आपका जो भी दोस्तों बिना चिप वाला डेबिट कार्ड बंद हो चुका है, तो आप इस तरीके से आप फॉर्म यानी कि बैंक में जाना है, भरना है, उसके बाद आपको नया चिप वाला डेबिट कार्ड प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना
बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे। और जाते जाते दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास ये पुराने डेबिट कार्ड हैं चिप वाले, बिना चिप वाले दोस्तों, तो आप उनको अपग्रेड कर लीजिए, ठीक है। यदि आपके पास जो प्राइवेट बैंक है, जैसे कि एक्सिस बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ, महिंद्रा कोटक हुआ, इंदुसलम बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, तो आपको ज़्यादा यानी कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे दोस्तों इनकी जो वेबसाइट रहती है आप ऑनलाइन यानी कि अप्लाई कर सकते हैं और आपके घर पर आ जाएगा दोस्तों डेबिट कार्ड, ओके। तो यदि आपके पास इस टाइप की बैंक है, यूनियन बैंक हुआ, पंजाब बैंक हुआ, यूको बैंक हो गया दोस्तों, है ना, और इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, तो इनमें दोस्तों आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। ब्रांच में जाकर ही आप फॉर्म फिलिंग करेंगे, उसके बाद ही आपको डेबिट कार्ड मिलेगा। और दोस्तों SBI का अकाउंट दोस्तों सभी के पास होता है, तो इसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आपके घर पर यानी कि SBI का चिप वाले वो आपके घर पर ही आ रहे हैं। आपके पास कोई सा भी अकाउंट हो, जनरल अकाउंट हो या फिर जनधन योजना अकाउंट हो, ठीक है, कोई सा भी अकाउंट हो, आपके घर पर यानी कि SBI के जो डेबिट कार्ड हैं चिप वाले, EMB डेबिट कार्ड, वो यानी कि आ रहे हैं। तो ये पुराने जो डेबिट कार्ड हैं वो दोस्तों 31 दिसंबर के बाद दोस्तों बंद हो जाएंगे। बहुत से डेबिट कार्ड बंद भी हो गए, मेरा यूनियन बैंक का बंद हो गया है, और यदि बंद नहीं हुए तो दोस्तों 31 दिसंबर तक बंद हो जाएंगे और 1 जनवरी से आपके चिप वाले डेबिट कार्ड चलेंगे, सरकार ने ऐसा बोला है इसलिए। तो दोस्तों जाते जाते आपको जो वीडियो पसंद आई है तो अच्छी बात है। नमस्कार।